अभी हम छोटा सा एक तारुफ करेंगे जो पीछे दो लेसन हैं उनको आप समझ लो, मैं समराइज करूंगा और फिर आगे लेकर जाऊंगा। हम ये कह रहे थे कि हमने वेबसाइट की एसईओ करनी है, और जब मैं बात करता हूँ वेबसाइट की एसईओ की, तो इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूँ मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए, कि कोई भी बंदा कोई कीवर्ड्स टाइप करे तो उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट टॉप पर आ रही हो। इट इज़ कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जब हम कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो ये हमारे पास दो तरह की है, एक को हम बोलते हैं ऑन साइट, एक को हम बोलते हैं ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब है कि हमें वेबसाइट के ऊपर काम करना है। इससे पहले जो मैं लेसन दे रहा था वो ऑफ साइट पर पहुंचे हुए हैं। ऑफ साइट का मतलब क्या है कि हमने वेबसाइट पर कुछ नहीं करना, बल्कि वेबसाइट से बाहर निकल के हमने कुछ करना है, यानी दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके जो हमने काम करना है वो हमारी ऑफ साइट एसईओ है। पहले हमने ऑन साइट एसईओ करनी है। अब जब मैं कहता हूँ ऑन साइट एसईओ करनी है, तो कोई भी वेबसाइट होगी, एक वेबसाइट तो नहीं हो सकती कोई, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक ही वेबसाइट के ऊपर हम एसईओ कर रहे होंगे। हर दफ़ा आपके प्रोजेक्ट में आपको एक नई वेबसाइट मिलेगी, तो जब तक आप वेबसाइट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वेबसाइट की एडिटिंग को नहीं समझेंगे, क्योंकि जब मैं कहता हूँ ऑन साइट एसईओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट के मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वहाँ जाकर मुझे कुछ करना है, तो वो ऑन साइट एसईओ होगी। तो उसके लिए जब तक मुझे, अब बेसिकली ये कोर्स डिवेलपर का भी नहीं है, हाँ मतलब ये वेबसाइट डिवेलपमेंट का कोर्स नहीं है, लेकिन जो एसईओ का एक्सपर्ट है, जो डिजिटल मार्केटर है, उसे बेसिकली थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप का होना चाहिए कि वो सब चीज़ों को देख सकता हो। यानी मैंने अगर किसी की वेबसाइट बनानी हो, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाने का आए, तो मैं खुद नहीं बनाता, कहीं से बनवा के दूंगा उसको। लेकिन अगर मेरे पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आए, तो मैंने कोई डेवलपर नहीं रखा हुआ साथ जो मुझे असिस्ट करेगा, उसकी सारी की सारी एडिटिंग मैं खुद करूँगा, उसकी वेबसाइट की एडिटिंग मैं खुद करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एज एसईओ एक्सपर्ट वेबसाइट एडिट करनी आनी चाहिए, और वही हम सीख रहे हैं इस फेज़ के अंदर जो हमने दो लेसन में सीखा। यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहेंगे, हमें थोड़ी सी बेसिक HTML आनी चाहिए, और जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट की एसईओ की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो सारे का सारा हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस होता है, तो वो तो जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं सब ग्राफिकली करते हैं, मतलब उसमें अब हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बैक एंड पे भी कोडिंग होती है, उसे भी अगर हमें कोडिंग की समझ में आ जाए तो हमें सब चीज़ों की समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं किस पॉइंट से, हम इन चीज़ों को हम सीख रहे हैं सर एक पॉइंट से कि हमें एसईओ करनी है, यानी हमें डेवलपमेंट नहीं करनी है बल्कि हमें एसईओ करनी है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं। तो अगर मैं आपको कोई एक वेबसाइट दिखाऊं, ये मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, देखिए ये ऊपर आ भी गई है, सबसे ऊपर यही है, ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है, हाँ इसके ऊपर क्या आ रहे हैं हमारे पास, एड्स आ रहे हैं, ये गूगल के एड्स हैं जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट बने हुए हैं। तो हम इस वेबसाइट पर आते हैं, और अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये वेबसाइट आप ही की तरह स्टूडेंट नहीं बनाई हुई है किसी ने, मतलब आप लोग अगर एफर्ट करें तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। अब ये बनाई कैसे हुई है, डेवलपमेंट उसने नहीं की हुई है, हमने उसको एक वेबसाइट दी थी, कोई सी भी वेबसाइट मैं दे दी है, और मैंने कहा कि ये सारा स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है, और स्ट्रक्चर ही चेंज करना हम यहाँ सिखा रहे हैं, क्योंकि आप एज एसईओ एक्सपर्ट इस स्ट्रक्चर में ही जाकर चेंजेस कर रहे होते हैं, और आप रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि प्योरली डिवेलपर से ताल्लुक़ रखती हों, वो तो आप रिकमेंडेशन डिवेलपर को देंगे कि भाई इसको इस तरह कर दें, और जो काम हमें खुद करने हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि एक वेबसाइट है, तो जो इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऊपर एक हेडर बना हुआ है, सोशल मीडिया के बटन्स बने हुए हैं, ऐसे ही है, मतलब कोई भी वेबसाइट आपसे बनवाई है होना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, राइट साइड पे लोगो आ रहा है, स्लाइडर आ रहा है, ठीक है ना, इसे स्लाइडर बोलते हैं जो लेफ्ट राइट पिक्चर्स चल रही होती हैं हमारे पास। उसके बाद क्या आ रहा है, कॉन्टेंट आ गया वेबसाइट का, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट और पिक्चर्स हैं, इसी कम्बिनेशन से है सब कुछ। उसके बाद और नीचे आए, देखिए टेक्स्ट और पिक्चर्स, और तो कुछ नहीं है, नई चीज़। फिर नीचे क्या आ गया हमारे पास, मैप भी हम इसको ले आए हैं, यहाँ पर गूगल मैप को भी यहाँ पर हम ले आए हैं, बेसिकली ये कॉन्टैक्ट के पेज पर था।
तो हमने कहा कि बजाय इसके कि एक यूज़र हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है तो उसको एक ही स्क्रॉल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमने मैप को कॉन्टैक्ट पे तो रखा ही होगा, यहाँ पे भी रख दिया। और नीचे आए, ये वेबसाइट का फुटर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हर वेबसाइट का फुटर का मकसद क्या है कि एक बंदा ड्रैग करके नीचे आ गया और उसको दोबारा से कोई इन्फॉर्मेशन टॉप की लेनी है, तो मेन्यू चेंज करना चाह रहा है वो, तो बजाय इसके कि वो वापस ऊपर जाए, वो यहीं से तमाम इन्फॉर्मेशन उसको आ रही है, सारे मेन्यूज यहाँ पे नजर आने शुरू हो गए। यानी फुटर में भी हमने अपनी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दी, और जो फुटर पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी। सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। हम सपोज करते हैं, यानी कि मैं ये सपोज करता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को ये वाली वेबसाइट दे दी जाए ऑफ साइट, और उसे कहा जाए कि भाई आपने ये एक वेबसाइट है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। एक बात याद रखेंगे, जो वेबसाइट की टेम्पलेट होती है उसकी अगर हम डुप्लीकेट कर लें तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब हमने ये नहीं सपोज करना कि भाई क्योंकि हमने इस वेबसाइट की कॉपी कर ली है तो शायद हमारी वेबसाइट पर कोई अफेक्ट होगा। इसका टेम्पलेट कॉपी करने से वेबसाइट पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, कॉन्टेंट कॉपी करने से वेबसाइट पर अफेक्ट। यानी अगर वेबसाइट का कंटेंट सेम रखें, जैसे आपको मैं असाइनमेंट दूँ कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की वेबसाइट बनाएं, तो कंटेंट तो सारा अवेलेबल है हमारे पास, तो आप यही वाला सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दें तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ, आपने इस कंटेंट से आइडिया लेकर नया कंटेंट राइट करना है, तो इसका मतलब है कि आपने नया कंटेंट लिखा। लेकिन अगर मैं इस सारी टेम्पलेट को ले लूँ, इवन कलर स्कीम भी यही ले लूँ, तो गूगल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल को प्रॉब्लम किस चीज़ से? कंटेंट से है, इन्फॉर्मेशन से है। यानी कि इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने SEO में सीखी है। मैंने एक छोटा सा, जो नए स्टूडेंट्स आज बैठे हुए आकर उनके लिए मैंने एक मुख्तसर सी बात की है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बेसिकली सीखना क्या है, शुरू में पहले फेज में हमें क्या सीखना है? पहले फेज में हमें यह सीखना है कि भाई हमें वेबसाइट एडिट करनी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब वेबसाइट एडिट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब हम चेंज कर सकते हो। हमें जो जो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, मतलब ऊपर फुटर आ रहा है नज़र, तो मुझे क्या करना है, ये बाई नाउ का बटन है, ठीक है, इस बटन की टाइप में चेंज कर सकता हूँ, इसको किसी दूसरी जगह पे भी भेज सकता हूँ। ये सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं, तो नो डाउट ये इनके आ रहे होंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, अपने लिंक्स बना लेंगे। नीचे मेन्यू आ रहा है, मेन्यू में कितने आइटम्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। हमें इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि हम इन 5 को 3 भी कर सकते हो और 5 को 9 भी कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, यानी कि ये एक्सपर्टीज आपको मैंने सिखानी है, आप डेवलपर नहीं हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट SEO की बात करेंगे तो आप बिल्कुल SEO पे कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं। इसी तरह लोगो आ रहा है, आपको लोगो चेंज करना आना चाहिए। जैसे इस वक्त 10-12 लोग बैठे हुए हैं, हर कोई अपना लोगो चेंज कर सकता हो, हर स्टूडेंट लोगो चेंज कर सकता है, मतलब हर स्टूडेंट चाहे तो लोगो को चेंज कर ले, अपनी अपने लोगो में कन्वर्ट कर ले, ये चीज़ें। उसके बाद स्लाइडर, लाजमी बात है, अगर मैं 10 लोगों को 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दूँ तो तस्वीरें तो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वेबसाइट की जो टेम्पलेट है वो बनी हुई है बिल्कुल, हमने चीज़ें चेंज करनी है, इसके एलिमेंट्स को चेंज करना है, हमने इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हमने इसकी SEO को इम्प्रूव करना है, उसके लिए मुझे एडिटिंग की ज़रूरत है, मुझे एडिट में कमांड चाहिए, कि मेरी एडिटिंग में फुल कमांड होनी चाहिए। जब मेरी एडिटिंग में कमांड होगी तो मैं SEO कर पाऊँगा। और नीचे आ जाएं, बाकी सारा टेक्स्ट आ रहा है, यानी ये चीज़ें हमने देख ली। अब हमें करना क्या है, एक तो हमें बेसिक HTML आनी चाहिए। बेसिक HTML का क्या मतलब है जी? आ जाएं, बेसिक HTML से क्या मुराद है? क्या आपको बेसिक HTML आनी चाहिए? जो मेन टैग्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए, बहुत मेन टैग्स, ठीक है। मतलब सारी हमने HTML नहीं पढ़नी, हमने वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़नी, बैक एंड पे कैसे काम हो रहा है, ठीक है, डायनेमिक काम कैसे हो रहा है, स्टैटिक काम कैसे हो रहा है, हमारा ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हमने SEO अप्लाई करनी है तो हमें कुछ बेसिक टैग्स की ज़रूरत है, जिन्हें हमें एडिट करना है बार बार। तो जब तक हम उन बेसिक टैग्स को नहीं देखेंगे हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो आज आकर बैठे हैं, सिर्फ मुझे ये बताएंगे उनका जो बेसिक HTML है वो कैसा है। अगर ठीक नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई चैलेंजिंग बात नहीं है, ये मुझे सिर्फ बताने में आसानी होगी,
इसलिए मैंने पूछा है कि बेसिक HTML, बेसिक HTML, कभी किसी ने HTML की फाइल बनाई हो, रन की हो? नो 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 नो, कोई बात नहीं। जो इधर पहले बैठे हुए हैं उनका भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, सबका यही प्रॉब्लम है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक टैग्स हैं जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मतलब बेसिक टैग्स हैं कौन से, अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे दूँ तो वो थोड़े से होंगे। कुछ लिस्ट तो पुराने स्टूडेंट्स ही बना देंगे, हाँ, जो आपने डिस्कस किए हैं। शाबाश। HTML यानी बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हमें HTML फाइल खोलनी है। खोलनी तो हमें वेबसाइट है, लेकिन जो वेबसाइट की फाइल है वो HTML फाइल है। वेबसाइट की जो फाइल है वो HTML है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कौन सी खोलनी है, HTML फाइल खोलनी है। तो एक तो हमें इस टैग का पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। देखिएगा, अभी हम लिखते जाएंगे और साथ साथ बताते जाएंगे। गुड, ये कौन बोला था, आप बोले थे, आपको कुछ थोड़ा सा पता है इसका मतलब। गुड, अच्छा, ये अब ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अब मैं जो कुछ लिखने चाह रहा हूँ वो HTML फाइल है। ये स्ट्रक्चर लिखने का ये मतलब है इसको। और लिखा मैंने किस में है, नोटपैड में लिखा है। मतलब एक तो आपके पास जो भी वेबसाइट आएगी वो इसी तरह आएगी। उसके बाद इसका एक पार्ट होता है सबसे टॉप पर, हेड। अच्छा, ये जो हेड पार्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैं मुख्तसर सा भी बता देता हूँ, और उसके बाद आप लोग घर जाकर चैनल से अगर ये प्रीवियस दो लेक्चर सुनोगे तो आपको फिर आसानी से समझ भी आ जाएगी सर पर, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा बेसिक हेड का टैग है। हेड का मतलब क्या है, बिल्कुल टॉप। और हेड का मतलब ये है कि हेड में जो कुछ आप लिखते हो वो आपको पेज में नज़र नहीं आएगा। यानी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं जो वाइट एरिया में पेज लोड होता है, तो हेड में लिखे जाने वाली कोई भी चीज़ वहाँ नज़र नहीं आती। क्या आती है कोई चीज़ नज़र? नहीं आती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिक्लेरेशंस होती हैं, यहाँ पर असाइनमेंट्स होती हैं। बस हमने जो वेबसाइट पे काम करना है, कुछ हमें डिक्लेयर करना है, इस तरह की जितने भी काम हैं वो सारे के सारे हमने हेड पोर्शन में करने हैं। बस इतना ही पुराने स्टूडेंट्स ने भी अभी तक समझा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, हेड के बाद अगला पोर्शन बॉडी का पोर्शन आ जाता है। अगला पोर्शन बॉडी, ये जो बॉडी वाला पोर्शन क्या है, आपने कोई वेबसाइट खोल ली है, jio.tv न्यूज पढ़नी शुरू कर दी है आपने उसको देखकर, तो इसका मतलब है वो सब बॉडी में लिखा हुआ है, यानी वो वेबसाइट की बॉडी है। तो पता क्या लगा कि हेड की जो चीजें हैं वो तो हमें नहीं दिख रही अभी, एंड यूजर को नहीं दिख रही। जो बंदा वेबसाइट खोलता है उसे तो नजर नहीं आ रहा हेड में क्या लिखा हुआ है। तो अभी देखेंगे कि जो हेड पे लिखा जाता है वो किसको दिखाते हैं हम, ये बात की बातें हैं, हाँ। और बॉडी में जो कुछ भी लिखे हैं वो सब यूजर को नजर आ रहा है, जो भी वेबसाइट एक्सप्लोर करता है उसको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में वेबसाइट आ रही है। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया एक HTML फाइल का, कि कोई भी HTML फाइल होगी वो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनी होगी, कोई भी HTML फाइल होगी वो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बनी होगी। यानी कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता लग गया। उसके बाद कोई भी HTML फाइल होगी उसे हमने जब सेव करना है तो उसका कोई नाम रखेंगे। सो फाइल का नाम हम कैसे रखेंगे, अगर हम ये कहें भैया हमारी एक वेबसाइट है, हाँ, उस वेबसाइट पे एक हमारा मेन पेज है, तो मेन पेज को क्या कहते हैं हम लोग, जो हमारी वेबसाइट का मेन पेज होता है क्या कहते हैं हम लोग, होम पेज कहते हैं, ठीक है ना। तो एक उसका होम पेज है, उसके बाद और उसके टैब्स हैं, जैसे भी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी कि किसी पे आर्टिकल लिखा हुआ था, किसी पे गैलरी लिखा हुआ था, किसी पे अबाउट अस लिखा हुआ था, किसी पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही नाम है मेरी फाइल के, यही सब नाम है मेरी फाइल के, तो इन्हीं नामों के साथ मैं फाइल बनाऊंगा। दूसरी बात, जब हम किसी वेबसाइट को लोड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, www.jio.tv, तो हमारी एक HTML फाइल खुद लोड हो जाती है, ऐसे ही है ना। वो वाली जो HTML फाइल लोड होती है वो कौन सी फाइल होती है, वो इंडेक्स की फाइल होती है, यानी जिसे हम कहते हैं कि ये होम पेज है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, कि जिसे आपने होम पेज बनाना है उस फाइल को नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स उसका नाम रख देंगे, ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं कि अभी हम जो बना रहे हैं ये इंडेक्स फाइल है, जब आप HTML में नोटपैड में HTML फाइल बना रहे हो तो उसको बनाने का एक सादा सा तरीका क्या है, ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सबको नजर आ रहा है ना,
सेव एज टाइप, मैंने कौन सा एप्लीकेशन खोला हुआ है, नोट पैड, तो नोट पैड तो है ही टेक्स्ट एडिटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो जो भी फाइल क्रिएट होगी वो कैसी होगी, टेक्स्ट फाइल होगी। तो अभी हम कौन सी फाइल बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, हम टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहे, हम तो HTML बना रहे हैं। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऑल फाइल्स, ये नए स्टूडेंट्स ने याद रखनी है बात, ठीक है। यानी कि आपने जब भी HTML फाइल बनानी होगी नोट पैड में, तो आप यहाँ से इसको ऑल फाइल कर देंगे और ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आप अपनी फाइल का, अगर तो हम कहेंगे होम पेज बना रहे हैं वेबसाइट का, तो नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स। और अगर जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेशन में है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं इस फाइल का, ठीक है। चलें जी, मैं कहता हूँ ये होम पेज फाइल है सपोज, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, index.html, ठीक हो गया। अच्छा, इसका फोल्डर बना लेते हैं आज की तारीख का, इसका नाम मैंने रख दिया index.html, इसको सेव कर दें, ये एक फाइल बन गई है। अभी इस इंडेक्स की फाइल में कुछ भी नहीं है कि कुछ है। अब अगर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जी ये एक वेबसाइट खुली हुई है, ये ऑनलाइन वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है ना, लाइव खुली हुई है, माउस लाए इस पर, जैसे मैंने टाइटल पे माउस रखा तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ये इस वेबसाइट का टाइटल है। जैसे मैं स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट पर आऊं तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्स अकेडमी लाहौर, तो ये इस वेबसाइट का टाइटल है। यानी सबसे पहले जो हमें मेंशन करना है वेबसाइट में, वो क्या करना है जी, टाइटल मेंशन करना है। जी हेड के नीचे, हाँ हेड के नीचे कुछ है। अब टाइटल जो है वेबसाइट का, ये वाला पार्ट बॉडी में नहीं आना बल्कि ये हेड में आना है। क्यों नहीं आना, अभी आपको मैंने उसकी जगह दिखाई है, क्योंकि वो तो बॉडी में है ही नहीं, तो इसलिए हमने किस हिस्से पे लिखना है, हेड वाले पार्ट में लिखना है, ठीक है। सो हमने यहां पर लिख दिया फर्स्ट HTML क्लास। और जब हम SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, तो ये टाइटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है वेबसाइट को रैंक करने का। यानी आप जो कुछ टाइटल में लिख रहे हैं बेसिकली इसीलिए लिख रहे हैं कि वो आपका कीवर्ड है, और जब कोई यूजर वो कीवर्ड लिखे तो आपकी वेबसाइट को पहले नंबर पर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले दिनों में हम इस टाइटल को काफ़ी इस पर काम करेंगे, क्योंकि ये SEO का टैग है, और मैंने आपसे कहा था कि हम उन्हीं टैग्स को डिस्कस कर रहे हैं जो SEO से रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे, इसको सेव करें, हमें काम करते हैं, क्योंकि फाइल पहले ही हम सेव कर चुके हैं। तो यही है ना, ये फाइल ठीक बन गई है, इस पर क्रोम का आ रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्रोम में ही प्ले करें, एज में ना प्ले करें, ठीक है। ये फाइल खुल गई, हमने कुछ नहीं किया, पेज वाइट है अभी तक हमारा, इसलिए कि हमने बॉडी में अभी तक कुछ टाइप नहीं किया हुआ, और ये हमने इसको टाइटल दिया है। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहां पर एक तस्वीर भी नजर आ रही है, जबकि अभी हमने जो काम किया इसमें हमने तस्वीर नहीं लगाई। इस तस्वीर वाले हिस्से को हम बोलते हैं फेविकॉन, फेविकॉन, फेविकॉन इमेज, ठीक है, ये कहलाता है फेविकॉन इमेज। और ये वाला हिस्सा भी क्योंकि ऊपर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ आएगा, ये भी हेड में ही आएगा, ठीक है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। तो ये आपकी फाइल है जो अभी आपने बनाई है, और इसका माउस रखें तो इसमें वही लिखा हुआ आएगा फर्स्ट HTML क्लास, ठीक हो गया। अच्छा, वापिस आ जाएंगे कोड पे। उसके बाद हमने और क्या देखा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास वो कौन सा है, हेडिंग स्टाइल्स, हेडिंग स्टाइल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेडिंग स्टाइल्स, ठीक है जी। हेडिंग स्टाइल्स, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेट कर लेते हैं तो सबको पता होगा कि हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं। वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास HTML में भी अवेलेबल है।
और ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है SEO का, कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर में हेडिंग्स होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बुक कंपोज हुई होती है तो उस बुक की जो फॉर्म होती है, फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स की सूरत में होना चाहिए, और गूगल हमें ये भी कहता है कि आप जो अपनी हेडिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी हायरार्की भी ठीक होनी चाहिए। हायरार्की का क्या मतलब है, जब हमने कहा कि टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं तो 1-6 की तरफ आपने अपने हेडिंग स्टाइल्स को लेकर जाना है, ठीक है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, पीछे आ जाए ज़रा। हेडिंग स्टाइल किस लेसन में पढ़ा था मैंने, HTML फाइल रखी हुई है 21 में, ये हेडिंग प्रैक्टिस यही है ना जी। ये अब मेरे पास फाइल नज़र आ रही है, इस फाइल को खोलते हैं तो इसमें फेविकॉन इमेज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और हेडिंग का भी क्लियर हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करें, मैंने इसे नोटपैड में खोलना है, इतनी एक्सपर्टीज तो होगी सबको, है ना, कैसे खोलेंगे जी, बिल्कुल ठीक है, ओपन विद कर लें इसको, गूगल क्रोम और नोटपैड, ठीक है। अब देखते हैं इसको जी, न्यू स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हुए, ठीक है। अब आप यहां पर देखें आकर, सबसे पहले ये वाला हिस्सा कौन सा है, मैं सिर्फ इस हिस्से में हूं अभी, हेड वाला पोर्शन, और हेड वाले पोर्शन में ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये है टाइटल वाले पार्ट में फेविकॉन इमेज कैसे आपने ऐड करना है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन, ठीक है, ये भी एक HTML टैग हम यूज कर रहे हैं, और href, href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, यानी इमेज कहां पड़ा हुआ है आपका, और आगे आपने क्या लिख दिया, फेविकॉन इमेज, इस इमेज का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेज पे तो नहीं आ रहा, ये तो टाइटल बार के बहुत छोटे से हिस्से पे आ रहा है, तो इसको आपने स्क्वायर शेप में बनाना है, चाहे तो 64x64 बना लें, चाहे तो 32x32 बना लें, यानी कि आपने शेप जो भी रखनी है वो उसको खुद से कंप्रेस कर देगा, शेप आपने इसकी स्क्वायर रखनी है, ठीक है। 64 कह रहा हूँ तो 128x128 पिक्सल का भी किया जा सकता है, 256x256 पिक्सल का भी किया जा सकता है, यानी कि आपने शेप इसकी क्या बनानी है, स्क्वायर शेप बनानी है किसी भी हालत में, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, अब इमेजेस की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा स्किल फोटोशॉप में भी होना चाहिए, यानी हमें फोटोशॉप इस्तेमाल करना आना चाहिए, और अगर फोटोशॉप इस्तेमाल करना ना आता हो तो मेरे पास स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे ही आते हैं जिन्हें मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होती है, तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह सिखाते हैं, मैं इसी तरह सिखाता हूँ कि आपको जिस टूल की जितनी ज़रूरत है हम उतना उसको सीख लेते हैं कोर्स में। हाँ, इमेज को लेकर आना है, इमेज तो हमें गूगल से भी मिल सकता है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उतनी ज़रूर होनी चाहिए जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बंदा अच्छा फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकता होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जहाँ जहाँ मुझे फ़ोटोशॉप में लेकर जाना पड़ेगा मैं खुद ले जाऊँगा स्टूडेंट्स को फोटोशॉप में, क्या काम करना है मैं बता दूँगा कि इसमें आपने क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन उस हद तक जो हमें काम करना होगा, हम ऐसे नहीं सीखेंगे कि हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं तो कोई महीने का कोर्स शुरू हो गया हमारा फोटोशॉप का, मेन्यू बाई मेन्यू, नो, टूल बाई टूल, ऐसे भी नहीं। जिस टूल की ज़रूरत होगी मैं डायरेक्ट टारगेट करके उसी टूल को एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको कहा कि इमेज हमने ले लिया, ये इमेज मैंने लिया तो इसीलिए हमें नज़र आ रहा था ऊपर, आपने देखा था वेबसाइट पे नज़र आ रहा था। अब ये वाली फाइल आपने बनानी है, हर किसी का अपना लोगो होगा, हर किसी का अपना लोगो होगा, जिस जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो उसने पहले अपना लोगो डिज़ाइन किया होगा, आपने उसको इस शेप में ले आना है। किस शेप में ले आना है, 32x32, 16x16, यानी कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप में ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे हैं, यानी अभी हमने दो चीज़ों को देखा, टाइटल की, हाँ, हेड की दो चीज़ों को देखा, टाइटल और फेविकॉन इमेज, ठीक है, बस ख़त्म होगी बात। मेरा ख्याल है पुराने स्टूडेंट्स ने भी ये दो चीज़ें ही देखी हुई हैं।
अब हम आगे आ जाते हैं हेडिंग स्टाइल्स। ये हैं हेडिंग स्टाइल जो हमने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इस लेक्चर की हद तक पिक्चर अपलोड, आप कह रहे हैं जो फेविकॉन इमेज है ये कैसे लगा हुआ है, ये कह रहे हो जी, ये कैसे लगा हुआ है जी, इस फोल्डर में आए जरा दोबारा से, ये देखिए इमेज आ रहा है यहाँ पे, ये इमेज मैं कॉपी करके यहाँ लाया हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका लोगो बनाया है या बनवाया है किसी से, ऐसे ही है ना, तो लोगो आपके पास मौजूद है तो आप उस लोगो को उस साइज में कन्वर्ट कर दें। हालांकि इस साइज को देखो जरा क्या है, ये बड़ा है ना, लेकिन उधर जाने के बाद ये खुद से कंप्रेस हो गया है, लेकिन अगर आप इसको छोटा बना लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज क्या कर रहे हैं, और हम साइज मैनेज भी नहीं कर रहे, हमने नहीं कहा कि इसकी विड्थ छोटी करो हाइट छोटी करो, मैंने बताया आपको कहा नहीं है, लिखा तो कहीं नहीं, सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको स्केल शेप में बना लो, अदरवाइज उसने फेविकॉन को खुद से स्केल शेप में कर दिया। तो हमने क्या किया, सिर्फ इमेज यहाँ पर लगाया रखा है, इमेज को इस जगह पे हमने रख दिया बस, और कुछ नहीं किया, उस जगह पे रख दिया जहाँ से मेरी HTML फाइल चल रही है। अगर ये किसी और जगह पर होता तो मुझे क्या करना पड़ता, लिंक देना पड़ता उसका कि भाई ये इस फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो वो देने की हमें ज़रूरत अभी नहीं है। चलिए वापस आ जाए, उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है H1... H6, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि भाई टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा अब नीचे क्या लिखा है, मैंने नीचे एग्जांपल दे दी है H1, और आगे मैंने लिख दिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और उसके बाद एक और टैग इंट्रोड्यूस हुआ, पी का टैग है, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, यानी कि जो आपने कॉन्टेंट लिखा हुआ है उसे आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और टैग इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रेक, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हुए एंटर प्रेस करते हो, इसी तरह जब आपने अपनी कोडिंग में लाइन फीड लेनी है, एक न्यू लाइन में जाना है, तो आपको BR का टैग लगाना पड़ेगा। और मैंने इस दफा इस टैग को लिखने का एक डिफरेंट स्टाइल है, क्या स्टाइल है कि मैंने BR लिखा, स्पेस दिया और साथ ही क्लोजिंग है डैश लगा दिया, है ना, स्लैश लगा दिया। इसका क्या मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये टैग खुला है और बंद हो गया, ये कहना चाह रहा हूँ, जबकि पहले मैं क्या कह रहा था, पहले मैं खोलता अलहदा था, बंद अलहदा कह रहे थे। अब इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स हैं जो पेयर टैग्स हैं और कुछ ऐसे टैग हैं जो पेयर टैग्स नहीं हैं, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने जब भी आपने उसे लगाना है उसने वंस काम करना है और छोड़ देना है। मिसाल के तौर पर मैं H1 लगाऊं और उसके नीचे एक लाइन लिख दूं और ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो पहली लाइन है ये H1 है बस, लेकिन उसके नीचे भी मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं जो कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये H1 नहीं है, लेकिन अगर मैंने H1 लगा दिया और क्लोज नहीं किया तो उसने सारे को क्या समझना है, H1 ही समझना है, उसने सारे को ही H1 समझना है। यानी इसका मतलब क्या है, पेयरिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें पेयर करना पड़ेगा उसको कि भाई ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि हमें ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये पेयर टैग्स है। अब इसकी ज़रूरत हमें ऐसी जगह पे पड़ती है पेयर बनाने की, ये कहाँ कहाँ पड़ सकती है, जब हम कुछ टैग्स पढ़ेंगे, जैसे मैं कहूँ कि एक ये वाला टैग है, एक टैग मैंने भी आपको बताया कि वो लाइन फीड दे रहा है, तो जो टैग लाइन फीड दे रहा है उसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो एक लाइन फीड दे रहा है, वो मल्टीपल लाइन फीड दे ही नहीं सकता। यानी कि आपने एक दफ़ा BR लगाया मतलब एक एंटर हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुताबिक, तो ये पेयर टैग नहीं है। मैंने एक टैग लगाया उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम बोल्ड कर दो, अब टैग लग गया बोल्ड का, अब उसे ये भी तो बताना पड़ेगा किस हिस्से को बोल्ड करना है और किस हिस्से को बोल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी पेयर टैग है। एक और बोल्ड के इक्वल टैग होता है स्ट्रॉन्ग का टैग, ये मैं उन टैग्स के ही नाम ले रहा हूँ जो आपको चाहिए, सर मैं उन्हीं टैग्स को नाम ले रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग का, वो भी बोल्ड की तरह का ही होता है, वो भी बोल्ड के मीनिंग में ही है, ठीक है, उसको भी हम SEO में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड की निस्बत स्ट्रॉन्ग को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं SEO में। काम दोनों का एक जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं मार्कर से कुछ टाइप कर दूँ, ठीक है, हेडिंग्स बनाने के लिए। हालांकि अभी हमने H1 पढ़ा, वो भी हेडिंग बनाने के लिए है, H1 हेडिंग के लिए है, लेकिन अगर आप अपने पैराग्राफ कॉन्टेंट के अंदर कुछ नुमाया करना चाहते हो तो फिर हम स्ट्रॉन्ग या
बी का टैग यूज करेंगे, ये दोनों भी पेयर टैग्स हैं। अब आ जाए नीचे, यहां मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये देखें जरा ये क्या लिखा हुआ है मैंने, अलाइनमेंट लिखी है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी, लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा, सेंटर अलाइन होगा, यहां से आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें आप अगर SEO एक्सपर्ट हैं तो ये काम आप क्रिएट नहीं कर रहे, ये ध्यान में रखना है आपने। आपको एक वेबसाइट, मतलब मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, वेबसाइट बनी हुई होती है तो कहते हैं जनाब इसकी SEO करनी है हमने, करवानी है हमने, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टैगिंग चेकिंग सब हुई हुई है। लेकिन अगर मैं ना जान समझता हूँ पी को, मैं ना समझता हूँ टाइटल को, मैं ना समझता हूँ H1 को, आपको लगता है कि मैं कुछ आगे चल सकता हूँ, कभी भी नहीं चल सकता। यानी मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है, मैंने एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा अब जरा एक काम करते हैं, इस फाइल को आउटपुट देखते हैं। मैंने इसको खोला, ये वो फाइल है जो अभी आप जिसका कोड रीड कर रहे थे, ऊपर लिखा हुआ आ गया सिंपली H1 से लेकर H6 तक इसके स्टाइल्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जी, डिजिटल मार्केटिंग की, बैठ जाए पीछे। अच्छा अब आप देखें ऊपर हेडिंग लिखी है और नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, और पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कुछ बोल्ड हुआ होगा, ये जो बोल्ड किया हुआ है हमने, हो सकता है इसको बी से किया हो या हो सकता है इसको स्ट्रॉन्ग से किया हो। स्ट्रॉन्ग लिखते हैं बस, हाँ पूरा स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, लिंक आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमने हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है अगर आप SEO पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, इमेज, और इमेज को मैंने बहुत छोटा किया हुआ है, बड़ा भी किया था हम लोगों ने, छोटा भी करके देखा था। और आखिर में क्या आ रहा है, शाबाश, ये सारी हेडिंग स्टाइल्स की प्रैक्टिस है कि ये हमारे पास सारे के सारे हेडिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, 6 तक, जिसको हमने इसी हायरार्की में अपनी पूरी साइट पे इस्तेमाल करना है। यानी मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के बाद जो हमारी सब हेडिंग होगी वो हेडिंग नंबर 2 में ले आएंगे, उसके आगे जो सब हेडिंग लेकर जानी है। और ये SEO का बहुत बड़ा फैक्टर है, SEO की रैंकिंग इंप्रूव करने में इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल ज़्यादा होता है हेडिंग स्टाइल्स का। ठीक है जी, वापस आ जाए। कुछ टैग्स हो गए, अच्छा अब हम हाइपर लिंक के टैग को देख रहे हैं, यानी लिंक्स कैसे बनाने हैं हम उस टैग को देखने लगे हैं। लिंक्स बनाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है जी, ए का टैग है जिसे बोलते हैं एंकर। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एंकर, और ये किस लिए यूज होता है, लिंक्स बनाने के लिए यूज होता है। और अगर आप अपनी वेबसाइट की SEO को ग्रो करना चाहते हैं, रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट अगर लिंक्स के बगैर होगी तो आप रैंकिंग में अच्छा नंबर नहीं बना सकते। यानी ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। और जब हम लिंक्स की बात करते हैं तो ये आप लोगों के लिए भी नई बात है कि लिंक्स इंटरनल भी होते हैं और लिंक एक्सटर्नल भी होते हैं, लिंक्स इनबाउंड भी होते हैं और लिंक्स आउटबाउंड भी होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे जाकर देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इंटरनल लिंक्स एक ही वेबसाइट के अंदर घूम रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी वेबसाइट को रेफर करने लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी हम आगे जाकर देखेंगे वो बातें। और अच्छा अब इसको मैंने एंटर कर दिया, अब ये नोटपैड में जो मैं लिख के एंटर कर रहा हूँ, जरा ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल, नोटपैड इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, नोटपैड को सिर्फ वो समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। आमतौर पर हमें हमारे जहन में आ रहा होगा कि अभी हमने किसी चीज़ का सिंटेक्स नहीं पूरा किया और फिर भी एंटर कर दिया, ठीक है ना, तो शायद ये हमें, जैसे ये है, क्या किया मैंने, IMG एक लाइन में लिखा, तो वैसे देखा जाए तो हमें लग रहा है कि इसको हमने इस तरह ब्रेक किया शायद कोई एरर ना आ जाए, क्योंकि एक ही चीज़ थी दो लाइनों में ले गए। नोटपैड को इसकी कोई समझ नहीं है। ठीक है, नोटपैड में आप एक लाइन में लिख देंगे तो स्क्रॉल होकर दूसरे हिस्से पर चला जाएगा, तो शायद आपको समझने में भी मुश्किल हो कि भाई लेफ्ट पे क्या लिखा था, राइट पे क्या लिखा था। तो उसको अगर आप मल्टीपल लाइंस में इस तरीके से कर लें, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, देखें लाइक दिस, ऐसे नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, यार तो और बात है, वो बात नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ आपने इसको रीडेबल बनाना है। तो जो आप एक बात लिख रहे हैं, जो एक बात आप लिख रहे हो
उसको एक मतलब एक वर्ड है ना ये बेसिकली, अगर मैं देखूं तो ये एक वर्ड था, क्या ख्याल है आपका? ये एक वर्ड की सूरत में लिखा है ना हमने, क्या लिखा हुआ हमने? SRC इज इक्वल टू फेविकॉन PNG। तो ये हमारे टैग का एट्रीब्यूट है। अच्छा, अब टैग के अंदर जो हम ऑप्शंस दे रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है? यानी कि एक टैग है ए का, उसके आगे मैं लगाता हूँ HREF, तो ये उसका एट्रीब्यूट है। यानी आपके टैग के अंदर जितनी भी ऑप्शंस अलहदा अलहदा नजर आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग, उस टैग के एट्रीब्यूट्स। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं जी, ए HREF इक्वल्स टू HTTPS, ये क्या है जी, लिंक हो गया हमारा। और आगे क्या लिखा है मैंने, टारगेट इक्वल्स टू, टारगेट का क्या मतलब है कि आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं और क्लिक करते हैं किसी लिंक पर, तो क्या होता है, या तो आप उसी टैब के अंदर ही एक नए पेज पे चले जाते हैं, यहाँ क्या होता है एक नई विंडो खुलती है, यानी नया टैब खुलता है और एक नया पेज खुल जाता है। तो ये हम बता रहे हैं टारगेट इक्वल्स टू, यानी हम चाहते हैं कि क्या उसी पेज पर हमारा पेज खुले। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक बंदा मेरी वेबसाइट पर आया, ठीक है, और मैंने अपनी वेबसाइट बड़ी ऑप्टिमाइज भी की हुई है, वो आ रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, 10 सेकेंड के बाद वो मेरे किसी लिंक पर क्लिक कर देता है, तो क्या होगा, पेज चेंज हो जाएगा, मेरा पेज तो चेंज हो जाएगा ना, होम पेज से हम सब पेज पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यूं कहूं कि भाई उसका होम पेज पे रुकने का जो टाइम है वो तो बड़ा कम था, टाइम कम हो गया ना आपका, यानी वो बंदा आया 5 सेकंड में ही उसने एक लिंक पे क्लिक किया और आपकी विंडो चेंज हो गई, आप दूसरी विंडो में स्विच कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम चेंज हो गया उसका, उसी पेज पर हम रहे। अब अगर मैं ये कहूँगा नहीं उस पर ना रहो बल्कि क्या करो न्यू टैब पर ले जाओ, अब क्या हुआ मल्टीपल विंडोज खुल गई, तो इसका मतलब है पहला पेज भी खुला हुआ है दूसरा पेज भी खुला हुआ है। सो हम रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी लिंक्स बनाएं तो कभी भी आप उस करंट पेज के ऊपर लिंक को ना खोलें बल्कि हमेशा नए पेज के ऊपर अपने लिंक को खोलें, यानी नए टैब के ऊपर अपने लिंक को खोलें। तो इसका मतलब है कि हम उसे इस तरह कहेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। और अगर हम कहना चाहें कि भाई इसी पर खोल दो तो हम उसे कहेंगे अंडरस्कोर पेरेंट, ठीक है, PARENT, लाइक दिस, ये अंडरस्कोर का निशान है, ठीक है। यानी इन दोनों को नहीं इस्तेमाल करना, दोनों में से एक वक्त में एक को इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। चलिए जिसको मैं मिटा देता हूं। अब ये हमने क्या बनाया, लिंक,